हेलो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो सवाल है, लाइक क्वेश्चन नंबर 7 जो हम अभी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव था जब हमारे जो FM थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारामन जी। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है, तो श्रीलंका में गए थे। जब श्रीलंका में जब गए थे तो दर पर्टिकुलर इवेंट उन्होंने होस्ट किया, तो आपको बताना है कौन से वो इवेंट है जिनके उनके द्वारा जो है किए गए हैं। जैसे कि अब देखो, ड्यूरिंग दिस विजिट, जो विजिट उन्होंने किया है, तो उस विजिट के दौरान क्या है ना कि उन्होंने जो एक गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, नाम, ठीक है, 200, ठीक है, नाम टूर गाइड, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, व्हाई? बिकॉज जो IOT है, ठीक है, IOT है आपका, तो श्रीलंका उनके 200वें एनिवर्सरी के लिए। ठीक है, नाउ उस गेस्ट ऑफ ऑनर में वहां पे उन्होंने जाके स्पीच दिया है, एड्रेस किया उस पर्टिकुलर इवेंट को, दैट इज अ ट्रू थिंग। सिमिलरली जो उनके द्वारा ही जो आपके श्रीलंका के 2 SBI के ब्रांच वहां पे ओपन हुए हैं, नाम ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाई दिस टू क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज SBI का अगर डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि SBI के जो ब्रांच ओपन हुए हैं वो श्रीलंका में, वो कहाँ पे ओपन हुए हैं? रिमेंबर, श्रीलंका में SBI ने 2 अपने ब्रांच ओपन किए, एक ब्रांच जो आपका ईस्ट प्रोविंस में हुआ है और सेकेंड ब्रांच जो आपका नॉर्थ प्रोविंसेस में हुआ है। ठीक है, एंड दैट सेपरेट ऑल्सो ट्रू। सिमिलरली जो होटल ताज है, ठीक है, ताज समुद्र है, वहां पर भी उनके द्वारा एक स्पीच हुई है जहां पर आपके इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट हुआ है। ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। तो ऑल दिस स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे मेंशन है, ऑल दिस स्टेटमेंट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड ऑल दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट इन देयर नेचर। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आपके जो अभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ऑल दिस स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे मेंशन है, ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट आपके है। ठीक है, चलो, दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। मेरे याद रखना, अगर मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपको ना जो समिट है, ये इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट, इसका जो होस्ट है वो हमारे ऑनरेबल FM ही है, तो उस समिट का ना थीम पूछेंगे। इफ दे आस्क यू द थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर समिट, द थीम क्या है उस समिट का, तो थीम है एनहांसिंग द कनेक्टिविटी एंड पार्टनरिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, एनहांसिंग द कनेक्टिविटी, ठीक है, एंड ठीक है, पार्टनरिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी, ये जो है क्या है उसका पर्टिकुलर थीम है फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट का। ठीक है, तो वो थीम आपको क्या करना है, याद रखना है। एंड नाउ अगर वो ये भी सवाल अगर आता है आपको उसी से पर्टिकुलर सब टॉपिक से कि अभी SBI के 2 नए ब्रांच वहाँ पे ओपन हुई है, तो SBI के अब टोटल कितने ब्रांचेस है श्रीलंका में? रिमेंबर, SBI के जो टोटल है अभी टोटल 7 ब्रांचेस है SBI के। ओके, नाउ SBI हैज अ टोटल 7 ब्रांचेस इन श्रीलंका। ओके, SBI के टोटल कितने ब्रांचेस अभी ओपन हुए हैं? तो SBI के टोटल 7 ब्रांचेस है वो ओपन हुए हैं कहाँ पे, अभी श्रीलंका में। ठीक है, चलो, ओके, दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। रसोल आपके लिए है, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, इफ यू लुक एट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, सो विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसके अभी रिसेंटली दे हैव लॉन्च गारंटेड अश्योर्ड इनकम, गारंटेड अश्योर्ड इनकम, अ न्यू गारंटेड इनकम प्लान और कस्टमर ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, जो आपको कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है वहां पे दे आर न्यू गारंटेड इनकम प्लान फॉर द कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, वहां पर एक प्लान लॉन्च किया गया है, लाइक गारंटेड अश्योर्ड इनकम, तो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लॉन्च है? SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC, कैनरा, HSBC या टाटा AIA? ठीक है, टाटा AIA। रेमबो, दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय द कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ये याद रखना। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस है, उनके द्वारा जो है ये पर्टिकुलर इवेंट क्या हुआ है, ये जो पर्टिकुलर इवेंट है दैट हैज बीन लॉन्च, गारंटेड अश्योर्ड इनकम, दैट इज गेन। ठीक है, गारंटेड अश्योर्ड इनकम, दैट इज गेन। ठीक है, दिस इज अ न्यू गारंटेड इनकम प्लान फॉर द कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक has been launched। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। yes. Now, अब अगर आप देखोगे तो ये जो टोटल जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, ठीक है,
इफ लुक एट ये उनकी जो पॉलिसीज है, तो टोटल उनके जो 629 ब्रांचेस है, या 629 ब्रांचेस है जिनके, वहां पर ये पर्टिकुलरली जो आपको इंश्योरेंस प्लान मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो है उनको सबसे इम्पोर्टेंट खासियत क्या है कि उनको जो कस्टमर्स होंगे, ये उस कस्टमर को रेगुलर इनकम प्राप्त हो जाएगा। रेगुलर इनकम फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर द शॉर्ट टर्म गोल, तो वो पर्टिकुलर उनको प्राप्त हो जाएगा इफ दे हैव बीन इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर लाइफ। ठीक है, याद करना, दिस इज अ इट इज अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग कम प्रोटेक्शन प्लान। ठीक है, ये याद कर लेना, नॉन लिंक्ड प्लान है। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद एनपीसीआई टू लॉन्च अ प्लैटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो प्लैटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, प्लैटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड है, वो पर्टिकुलर लॉन्च किया गया एनपीसीआई एनपीसीआई के साथ मिलकर। तो वो कौन से बैंक है जिसने पर्टिकुलर काम किया रखा है? टेक अ 5 सेकेंड, थोड़ा सा सोचो एंड देन मार्क करो। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड रिसेंट न्यूज है। यस, आई होप आपने थोड़ा सोचा होगा। ठीक है, व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक। ठीक है, व्हाट इज विच बैंक हैज लॉन्च डिसाइडेड दैट विद एनपीसीआई दे आर गोइंग टू लॉन्च प्लैटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड? तो विद एनपीसीआई द इंडसइंड बैंक हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्लैटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये याद कर लें। इंडसइंड बैंक इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ। यस, तो ये जो इंडसइंड बैंक है, ठीक है, दे हैव दैट रुपी क्रेडिट कार्ड, ठीक है, फॉर कस्टमर्स। ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया रेज इन नवंबर 2023, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, दे हैव रिलीज वन डाटा इन नवंबर 2023। दिस डाटा विच ठीक है, दिस डाटा जो उन्होंने रिलीज किया है, विच स्टेट इज इमर्ज एज अ लीडर, स्टेट इज इमर्ज लीडर इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, विच स्टेट इज इमर्ज एज अ लीडर इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया During July September quarter for financial 2024, which state is emerged as a leader in mutual fund investments in India? थोड़ा सोचो, कौन सा स्टेट होगा जो एज अ लीडर करके उभरा उभरा होगा फॉर द इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड। देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, अब लोग देखोगे इंडिया में बहुत सारे कम लोग हैं जो इस शेयर मार्केटिंग के ऊपर या फिर म्यूचुअल फंड के ऊपर जो है भरोसा करते हैं। आज भी जो है बहुत लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन आई नो देम कि ये सारी जो चीजें होती है अच्छी नहीं होती या बुरी होती है, ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन रिमेम्बर ऑल दिस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, वहां पे इन्वेस्ट करने देने से अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सिंपली लुक एट फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर वेर यू गॉट दिस ऑल दिस अवेयरनेस, मेजोरिटी अवेयरनेस आपको मिलेगा कहाँ पे? द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पे अवेयरनेस होगा आपका? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या होगा आपको? अवेयरनेस जो है वो मिल जाएगा, अवेयरनेस आपको आप क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। एंड मेजोरिटी ऑफ दिस म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। ठीक है, नाउ महाराष्ट्र इज इमर्ज्ड एज अ लीडर इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द क्वार्टर। ठीक है, लास्ट क्वार्टर। नाउ अब देखो कितना इक्विटी एसेट हुआ है महाराष्ट्र में, विद द सब्सटेंशियल इक्विटी एसेट ऑफ 7.47 लाख करोड़। ठीक है, आउट ऑफ द इंडस्ट्री टोटल लिक्विड असेट इज 25.85 लाख करोड़। ठीक है, नाउ फॉलोड बाय, अगर आप महाराष्ट्र के छोड़ोगे तो वाज फॉलोड बाय द गुजरात एंड देन कर्नाटका। ठीक है, गुजरात है, गुजरात की बात करना का कर्नाटका है। ठीक है, दे आर ऑल्सो होल्डिंग द इक्विटी असेट ऑफ रुपीज 2.21 लाख करोड़ एंड 1.99 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। दोनों का भी बहुत बड़ा असेट वैल्यूज है। ठीक है, एंड हाँ, दे हैव सरपास दिल्ली। दिल्ली अभी बहुत पीछे चला गया है गुजरात एंड कर्नाटका स्पेसिफिकली। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इंडस्ट्री इक्विटी असेट देखोगे, ठीक है, वहां पे गुजरात एंड कर्नाटका आपको बहुत आगे मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ बट हाँ, व्हेन इट कम टू एसआईपी, ठीक है, इफ लुक टू एसआईपी, व्हाट इज एसआईपी? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। गुजरात हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, गुजरात हैज कंट्रीब्यूटेड
सिग्निफिकेंटली इट्स काउंटेड, पूजा ने काउंट आउट सिग्निफिकेंटली, इट काउंटेड 7% विथ इनफ्लो ऑफ अराउंड रुपीज, ठीक है, 1200 करोड़, विथ इनफ्लो ऑफ 1200 करोड़ का क्या टोटल इनफ्लो वहां पे आया है. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली साइन एमओयू. कौन सा वो बैंक है जिसने अभी हालांकि एक एमओयू साइन किया है, किसके लिए? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है, इन गुजरात, टू प्रमोट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द इंडिया. पूरे भारत वर्ष में उनको क्या प्रमोट करना है? फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या करना है? प्रमोट करना है. एंड उसके लिए जो है उन्होंने एक एमओयू साइन किया रखा है किसके साथ? द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ. कौन सा वो बैंक होगा जिसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लिया होगा, ठीक है? चलो थोड़ा सोचो एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर. कौन सा वो बैंक होगा जिसका ये इनिशिएटिव होगा? यस, सोचो थोड़ा सा. आई होप आप लोगों को सही आंसर पता होगा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आनंद इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है. आई होप अमूल का बहुत बड़ा वहां पे क्या है प्लांट है. करेक्ट आंसर, दिस इज पर्टिकुलरली एमओयू साइन बाय द एक्सिस बैंक. कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक द्वारा जो है पर्टिकुलरली ये प्लान जो है वो साइन कर रखा है, ठीक है. रिमेंबर एक्सिस बैंक हैज साइन दिस पर्टिकुलर एमओयू फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है, ताकि वहां पे क्या हो, वी नीड टू फोकस टू प्रमोट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द इंडिया. फाइनेंशियल लिटरेसी प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर इवेंट जो है हमने किया है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना. ऑल दिस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है. नाउ नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सवाल बड़ा है, सवाल देख के टेंशन मत ले लेना, ठीक है. सवाल बड़े होते हैं लेकिन आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है, मार्क करना है करेक्ट आंसर को, ठीक है. टेक अ 5 सेकंड एंड ट्राई टू मार्क, पहले रीड करो, मार्क करो आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ. ओके, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से सवाल को पढ़ रखा है, ठीक है. लेट मी हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देखो क्या सवाल है, इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023, इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2030 हैज बीन रिलीज. इंडिया का जो फाइनेंस रिपोर्ट है 2030 उसको रिलीज किया गया है, उसमें से कौन सा सवाल आपको करेक्ट है वो ढूंढना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला सवाल पूछते हैं, आरबीआई गवर्नर हैज रिलीज दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट एंड द फर्स्ट फ्लैगशिप पब्लिकेशन of the Center for Advanced Financial Research and Learning, ठीक है. ये जो है उनको उनके द्वारा आरबीआई गवर्नर द्वारा पर्टिकुलर रिलीज है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका, जी हाँ ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है. आरबीआई गवर्नर द्वारा ही इस पर्टिकुलर को रिपोर्ट रिलीज किया गया है. और थीम देखो, रिपोर्ट का थीम क्या है, थीम ऑफ द रिपोर्ट इज कनेक्टिंग द लास्ट माइल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया, कनेक्टिंग to the last mile. So if you look at the connecting to last mile, ये one of the subtlety है जो government जो हमारे honorable PM द्वारा दिया गया था हमें 2022 क्या कहते हैं हमें 75 years of independence जो हमने celebrate किया था, तब हमारे PM द्वारा जो है हमें subtlety के जो शपथ है वो दी गई थी. तो और वहाँ पे जो है हमने specifically बोला था कि हमें connecting up to last mile पहुँचना है, reaching up to last mile था. अब उसी को नजर रखते हुए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है कि ताकि बहुत सारे लोगों के कॉम्प्रेहेंसिव जो है हम डेवलपमेंट कर पाए, दुनिया को कर सकते हैं. एज पर द रिपोर्ट द 10% इंक्रीज इन अ पर कैपिटा ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शंस यूजुअली लीड टू द 4.6% राइज ओवर फिनटेक लेंडिंग एंड 1.5% लीडिंग बाय द कमर्शियल लेंडिंग बाय द कमर्शियल बैंक. सो अगेन दिस इज अ ट्रू डाटा, ये डाटा आपको याद करना होगा. तो ऑप्शन नंबर सी एंड दिस डाटा हैज बीन आपको याद करना पड़ेगा, याद करना
पड़ेगा। तो ऑल योर स्टेटमेंट्स हैव बीन करेक्ट, या सारे स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट ही है। ठीक है, नाउ जो डाटा है लास्ट वाला, उस डाटा को आपको आराम से पढ़ना है और उस डाटा को जो है आपको मार्क करके भी रखना है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने वही जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है आपका, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी जानकारी आपको दे रखी है। नाउ नेक्स्ट, इन नवंबर 2023 द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड एन ऑफर ऑफ यूएसडी, हाउ मच डॉलर का ऑफर है ये, टू अडानी पोर्ट्स, ठीक है, लेड कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड टू सपोर्ट अ डेवलपमेंट ऑफ डीप वाटर शिपिंग कंटेनर टर्मिनल इन पोर्ट ऑफ कोलंबो श्रीलंका। पहले यही बात याद कर लो आपकी, यूएन यूएस का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उन्होंने किसी का टाइप किया है, अडानी पोर्ट के साथ टाइप किया है, टू टाइप किया है, और श्रीलंका में जाके उन्हें कुछ डीप वाटर शिपिंग कंटेनर को डेवलप करना है। ये पहले चीज याद कर लेना, ये जो फ्लो है पहला वो याद कर लो। ठीक है ना, डीएफसी टाइप विद अडानी पोर्ट, क्यों? बिकॉज उन्हें क्या करना है, श्रीलंका में जाके एक डीप वाटर डेवलपमेंट शिपिंग कंटेनर को बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए कितने पैसे जो है दिए गए जा रहे हैं, कितने पैसे जो है वो ऑफर हो रहे हैं। रिमेंबर द टोटल अमाउंट दैट ऑफर इज 553 मिलियन, कितना पैसा ऑफर हुआ है, 553 मिलियन रुपीज हैज बीन ऑफर्ड, कितना पैसा ऑफर हुआ है, 553 मिलियन जो है वो दिए गए हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेम द बैंक और ऑर्गेनाइजेशन विद अ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, नेम द बैंक और ऑर्गेनाइजेशन along with the global environment facility that has recently to introduce national capital fund, a concessional fund, ye national capital fund hai lekin that is one of the concessional fund hai. Remember this concessional fund has been launched by the Asian Development Bank. Iske dwara launch hua hai ye particular fund, Asian Development Bank dwara jo particular fund jo hai aapka launch kiya gaya hai. Yeah, and specifically is particular fund ke bare mein agar hum baat kare, तो जो फंड है इसका मेन एम ही यही है, इट्स एम्ड एट बैकिंग द प्रोजेक्ट्स इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स डेवलपिंग द मेंबर्स कंट्रीज। ठीक है, जो डेवलपमेंट मेंबर कंट्रीज है उनको जो क्या करना है, उनके जो प्रोजेक्ट है डेवलपिंग जो मेंबर कंट्रीज है उनके जो प्रोजेक्ट है उनको क्या करना है, बैक करना है। ठीक है, नाउ दिस ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है, व्हाट दे हैव बीन कमिटेड द $50 मिलियन इन्वेस्टमेंट, they have committed for the $50 million investment to support again the natural to support a natural capital fund incentive. ठीक है, वहां पर हम फोकस करने वाले हैं, we need to focus on improving the food security and safeguarding the natural capital, that is again very much important. Now next सवाल है आपके सामने, in November 2023 RBI approve the ICICI bank request to make Dash Dash a wholly subsidiary, ke wholly owned subsidiary. The RBI ne kya bola hai, kya announcement kiya hai ki ICICI bank approve the request of ICICI bank kiske liye, ki unki wholly owned subsidiary ke liye. Remember ICICI bank ka hi ek particular head hai, that is called the ICICI security, वहां पर ICICI सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ICICI बैंक की जो रिक्वेस्ट थी कि हमारे जो सब्सिडरी ICICI सिक्योरिटीज है उनको हमने होली ओन सब्सिडरीज ही बनाना है, तो जो रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट RBI द्वारा क्या की गई है, अप्रूव की गई है। ठीक है, अब जो ICICI सिक्योरिटीज है नाउ विल बी डिलिस्टेड एंड बिकम द होली ओन सब्सिडरीज ऑफ द पेरेंट कंपनी ICICI बैंक। ठीक है, तो ये सेपरेट कंपनी थी, अब वो ICICI बैंक में ही क्या हो जाएगी, आपकी मर्ज हो जाएगी। नाउ ICICI सिक्योरिटी हैज अ फोर लाइन बिजनेसेस, मतलब ब्रोकिंग था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारा उसका क्या था, फोर लाइन के ऊपर बिजनेस करते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज recently signed $400 million policy base, okay, $400 million policy base loan agreement with Indian government,
with Indian government to create high quality urban infrastructure, to create high quality urban infrastructure. कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अभी अभी हालांकि $400 million की लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है. $400 million लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, विद द इंडियन गवर्नमेंट के साथ. किस लिए? ताकि एक हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं. टू बिल्ड द हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है विद द इंडियन गवर्नमेंट. थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है. देखो एग्रीमेंट किसके लिए? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एग्रीमेंट है, तो उसके हिसाब से ना उसको सोच के फिर मार्क करना, ठीक है. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फिर उसको जो है सोच के आप क्या करना है, आपको मार्क करना है. उसको पहले सोचो एंड देन आप उस चीज को क्या करो, मार्क करो, ठीक है. देखो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए ना, तो कौन देगा? इट हैज बीन डिसाइडेड बाय की एशियन डेवलपमेंट. कौन देने वाला है? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है ये पैसा दिया जाने वाला है, ठीक है. एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ये पर्टिकुलर जो पैसा है उसको वो दिया जाने वाला है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है, ठीक है. थोड़ा सोचो इसके बारे में भी, ठीक है. इन इंडिया थोड़ा सोचो इसके सवाल के बारे में एंड देन मार्क द राइट आंसर. ओके चलो, आई होप आपने अभी रीड किया है. इन नवंबर 2023 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द फर्स्ट इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया है, ठीक है. किस लिए? ताकि द सिक्योरिटी फॉर टोल ऑपरेटर ट्रांसफर के लिए, ठीक है. दिस बॉन्ड इज इश्यू एट अ रेट ऑफ, उस बॉन्ड का रेट क्या है, कौन से रेट के ऊपर ये बॉन्ड को क्या किया है इशू किया गया है. व्हाट इज द रेंट ऑफ दिस बॉन्ड? पहले तो एक बात कर लो, बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा. और जो टीओटी मॉडल, ठीक है, टीओटी मॉडल मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है. लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, अगर जो बच्चे वहां पे प्रेजेंट होंगे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, उन लोगों को याद होगा मैंने ये सवाल भी आपसे करवाया था कि टीओटी मॉडल जो है ये किसके रिगार्डिंग स्टेटेड है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ये टीओटी मॉडल आपका स्टेटेड है, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, हाईवेज को डेवलप करना है, जो टीओटी मॉडल है उसके हिसाब से किया जाता है. एक स्पेसिफिकली जो पीपीपी मॉडल है, मतलब पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप मॉडल है आपका, दैट इज टीओटी मॉडल, टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल है. टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो ये जो मॉडल है आपका, ठीक है, उनके अब देखो वहां पे पैसे चाहिए. तो एनएचआई हैज एक्सेप्टेड, तो NHAI has accepted this first insurance surety bond. तो उसको जो इशू किया गया, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज नथिंग बट अ डेथ इंस्ट्रूमेंट. मतलब लोगों को हम बोलते हैं कि आप हमें इतना पैसा दे दो और आप इतने के समय बाद जो है आपको फिर इतना इतना रिटर्न दे देंगे. तो दैट इज अ बॉन्ड, ठीक है. हम उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं. और बॉन्ड के बदले में आपको रिटर्न देना पड़ता है, ठीक है. तो बॉन्ड के बदले में क्या देना पड़ता है? आपको रिटर्न देना पड़ता है. तो यहाँ पर जो बॉन्ड हुआ है उसके बदले में कितना रिटर्न मिलेगा? 0.25%. What is the returning amount? 0.25% क्या हो गया आपके returning जो होगी वो amount हो जाएगी. 0.25% is the returning amount, ठीक है ना. उसको भी याद कर लेना आराम से. ठीक ना, आगे बढ़ते हैं. Which of the following company has not received SBI's approval to raise the IPO in November 2023? तो सोचो इसके बारे में एंड देन ट्राई टू मार्क. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप थोड़ा सोचोगे इसके बारे में तो बहुत ही ज्यादा आई कैन से इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सेबी का पर्टिकुलरली यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है व्हेन इट कम टू आईपीओ अनाउंसमेंट. लेकिन अभी सेबी ने क्या किया है, सेबी ने परमिशन ही नहीं दी है कि आप आईपीओ निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है. आईपीओ नहीं निकाल सकते हो, तो परमिशन जो सेबी द्वारा किस कंपनी की या फिर किस कंपनी की रोकी गई है? रिमेंबर सेबी हैज कंट्रोल्ड स्पेस ऑफ
गैनविज एंटरप्राइजेस, गैनविज एंटरप्राइजेस है उनकी जो है फंडिंग रोकी गई है, उनकी जो फंडिंग है रोकी गई है सेबी द्वारा। उनको जो है मतलब जो फंड रेज कर लेते हैं आईपीओ के, ठीक है, तो जो आईपीओ से द्वारा उनको इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, जहां पर कंपनियां लोगों को बोलती है कि आप हमारे कंपनी के ऊपर भरोसा रखो, हमारे कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करो, तो जो आईपीओ के जो फंड्स होते हैं या फिर आईपीओ के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उस बॉन्ड होते हैं, तो उसको क्या कर दिया गया है, रोक लिया गया है। किसके द्वारा? सेबी द्वारा जो है रोक लिया गया है, ठीक है। एंड द आपके ज्ञानवेज एंटरप्राइजेस की होगी है। आगे बढ़ते हैं नाउ। अब देखो, दिस कंपनी हैज अ फाइल्ड अ प्रिलिमिनरी आईपीओ पेपर, ठीक है, विद द सेबी बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर 2023, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी सेबी ने इनको क्या कर रखा है, रोक के रखा है। द इक्विटी शेयर ऑफ दिस कंपनी विल बी लिस्टेड, अगर आप इसके शेयर देखोगे, दैट शेयर्स ऑफ दिस कंपनी विल बी लिस्टेड ऑन द आपके एनएससी के ऊपर भी है, बीएससी के ऊपर भी है, लेकिन आईपीओ के लिए परमिशन नहीं दी। विच कंट्री एसोसिएशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, विच कंट्री एसोसिएशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, तो किसके बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पर, एसोसिएशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, एसोसिएशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, दैट इज ABIOVE That has recently signed a MOU, उन्होंने एक MOU साइन किया है with a solvent, ठीक है, extractor association of India for supply soybean oil to India, ताकि जो इंडिया है, हमारे जो भारत है, वहां पर क्या हो, हमें सोयाबीन जो है, ठीक है, सप्लाई ऑफ सोयाबीन टू इंडिया करने के लिए एक MOU साइन किया गया है, किसके द्वारा, association of vegetable oil industry द्वारा। तो ये किस कंट्री के साथ ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है हो रखा है, रिमेंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी फेमस कंट्री, अगेन अगेन आपको हमारा पार्टनर भी है वो कंट्री वेरियस फोरम के अंदर, एंड दैट इज नथिंग बट योर कंट्री ऑफ ब्राजील, कहाँ पे है, कंट्री ऑफ ब्राजील जो है आपका, कंट्री ऑफ ब्राजील के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसका, एसोसिएशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री का, कि इंडिया में आपको क्या करना है, सप्लाई ऑफ सोयाबीन ऑयल टू इंडिया। नाउ देखो, मेजोरिटी पीपल्स माइंड मी फील दैट कि व्हाई इतना कोई इंपॉर्टेंट है कि सोयाबीन ऑयल, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू लुक एट द यूजेस ऑफ सोयाबीन ऑयल, ठीक है, ट्रेड ऑफ सोयाबीन हो गया, सोया मिल हो गया, ठीक है, सोयाबीन ऑयल हो गया, ऑयल सीड हो गई आपकी, ऑयल सीड के जो प्रोडक्ट्स हो गए वो होंगे आपके, ठीक है, ये जो सारे प्रोडक्ट्स है आज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा नॉट टू बूस्ट दिस, ठीक है। This MOU is a target the technology extent for improved the oil seed cultivation, emphasizing the amplified agriculture productivity. जो agriculture productivity उसको बढ़ाने में helpful रहने वाला है। Now, next, in November 2023, UBS Security India Private Limited raised India's GDP growth forecast by 10th basis point. Now, अब ये फोरकास्ट कहाँ तक गया है, what will be this particular forecast? ये forecast अभी कितना है, ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे फोरकास्ट आते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे फोरकास्ट क्या होते रहते हैं आपके, आते रहते हैं, तो बच्चे बहुत बार फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा फोरकास्ट करना चाहिए, कौन सा फोरकास्ट नहीं करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि फोरकास्ट है जो भी आता हो, आपको जो पर्टिकुलरली उसका जो क्रक्स है वो पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि वो जीडीपी क्या होता है, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो रिमेंबर टोटल वैल्यू ऑफ, आई कैन से टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री फॉर विद इन अ टाइम पीरियड, ठीक है, मोस्टली क्या होता है, एक साल के भीतर भारत की जो सीमा रेखाएं हैं उसके अंदर कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी के अंदर, और वो जीडीपी के कितने पार्ट होते हैं, दो जीडीपी के पार्ट होते हैं, एक जीडीपी का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी, ये क्या आपका, ये एक नॉमिनल जीडीपी है, जैसे दिस इज वन इज योर नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, एंड वन इज योर वॉट, वन इज अ रियल जीडीपी, एक आपका नॉमिनल जीडीपी होता है, एक आपका क्या होता है,
रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी जो होता है आपका करंट ईयर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, मतलब अभी का जो करंट ईयर ऑनगोइंग है उस करंट ईयर के ऊपर क्या होता है आपके नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, करंट ईयर। लेकिन जो आपका रियल जीडीपी होता है, दैट रियल जीडीपी जो होता है आपका, वो आपके प्रीवियस ईयर के ऊपर कैलकुलेट होता है। देयर मस्ट बी सम प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का कंपेरिजन करते हैं करंट ईयर के साथ यहाँ पे, एंड देन वी कैलकुलेट द आपका रियल जीडीपी, ठीक है। तो अगेन दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इंडिया इज द, आई कैन से अभी तो फिलहाल तो वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अगर आप नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बात करोगे तो द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिफ्थ, हमारे आगे कौन कौन है, हमारे आगे है इंडिया है, सॉरी सॉरी, हमारे आगे कौन कौन है, यूएस है, चाइना है, यूएस चाइना, देन यू हैव जर्मनी, जर्मनी इज देयर, एंड उससे पहले जापान, ठीक है। यूएस इज रैंक वन, चाइना इज रैंक टू, जापान इज रैंक थ्री, एंड जर्मनी इज रैंक फोर, एंड फिफ्थ इज मेरा प्यारा भारत। और सून ऐसे बोला जाता है, जल्दी जल्दी हमें बोला जाता है कि भारत जो है रिप्लेस कर देगा जर्मनी को भी, एंड भारत जो रिप्लेस कर देगा जापान को भी, और जल्दी हम दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी महासत्ता बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्यादा पैसे के तौर के ऊपर। लेकिन अब ये जो जीडीपी होता है उसका जो प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ऐसे कि सडनली बढ़ जाता है, वो प्रोडक्शन के बढ़ने के भी क्या होते हैं ना, परसेंटेज होते हैं, देयर ग्रोथ आर वेरी स्लोली स्लोली ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। तो अगर आप इफ यू लुक एट दैट ग्रोथ रेट, तो रिसेंटली द ग्रोथ रेट व्हिच हैज बीन शोन, दैट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है, दैट इज 6.3%। तो क्या बोला जा रहा है, जो यूएसबी सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उनके द्वारा बोला गया है कि जो इंडिया का जीडीपी है, द ग्रोथ फोरकास्ट है बाय 10 बेसिस पॉइंट, वो कितना है आपका 6.3% और द फिजिकल ईयर 2023-24, जो किसके लिए 2023-24 है उसके लिए जो फोरकास्ट है वो कितना है उसका 6.3%, उसका क्या बोलेंगे हम, फोरकास्ट दिया गया है, ठीक है। नाउ इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको इन्फॉर्मेशन भी इंटरव्यू में दे रखी है। नाउ यस, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। हमने बहुत ही डिटेल जो है चीज को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बहुत सारे चीजों है जिसके आपके रिविजन को जरूरत है, तो कीप रिवाइजिंग एंड कीप अपडेटिंग द थिंग्स टू यू, ठीक है, थैंक यू सो मच।